नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जिस गाड़ी का रिव्यू करेंगे वो है मारुति सुजुकी सिलेरियो VXi। CNG गाड़ी है ये, और CNG का स्टिकर भी आप देख ही रहे हैं फ्रंट में। इसमें और भी वेरिएंट आते हैं जैसा कि LXi, VXi, ZXi, और ऑप्शनल में भी अवेलेबल है ये गाड़ी। अगर आप ऑप्शनल में लेना चाहते हैं, LXi ऑप्शनल, VXi ऑप्शनल और ZXi ऑप्शनल में भी अवेलेबल है ये गाड़ी। और इसमें आपको इसके दो वेरिएंट में आपको CNG मिलता है जैसा कि LXi और VXi। दो वेरिएंट में आपको CNG मिलेगा, कंपनी फिटेड और AMT वेरिएंट में भी अवेलेबल है ये। इसमें दो वेरिएंट आते हैं AMT में, VXi और ZXi। तो AMT में भी अवेलेबल है ये गाड़ी, और जिसका हम रिव्यू करेंगे ये है VXi CNG। इसमें आपको फ्रंट में क्रोम इंसर्ट के साथ हाइलोजन हेडलैम्प और साथ में इंडिकेटर दिए गए हैं इसमें। और फ्रंट में देखेंगे तो अपर वाली ग्रिलों में आपको S का मोनोग्राम क्रोम फेस के साथ दिया गया है, और फॉग लैम्प नहीं है इसमें। कंपनी फिटेड फॉग लैम्प ZXi ऑप्शनल में मिलेगा। और इसमें आपको व्हीलों की बात कर लेते हैं, तो इसमें व्हीलो की साइज, जो साइज़ है व्हीलो का, 165/70R 14, यानी 14 इंचेस के आपको इसमें व्हील दिए गए हैं, और सिल्वर व्हील कवर के साथ 14 इंचेस के व्हील के साथ। ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी की। साइड प्रोफाइल से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। साइड प्रोफाइल में बात कर लेते हैं अब लेंथ की, तो 3600 mm की इसकी लेंथ है। विड्थ की बात करें तो 1600 mm की इसकी विड्थ है, और हाइट की बात करें तो 1560 mm की इसकी हाइट है। और व्हील बेस है इसका 2425 mm का, इसका व्हील बेस दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, और कर्व वेट की बात करें तो 810 kg का इसका कर्व वेट है। और इसमें टर्निंग रेडियस की बात कर लेते हैं तो 4.7 मीटर का टर्निंग रेडियस दिया गया है इसमें। और कलर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं साथ ही साथ, तो 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है ये, जैसा कि पहला है ब्लीजिंग रेड, सिल्वर सिल्की, तीसरा है ग्रिसलिन ग्रे, चौथा पैरेलल आर्टिक वाइट, और पांचवा है टॉर्क ब्लू, छठा है टैंगो ऑरेंज। यानी 6 कलर ऑप्शंस में गाड़ी अवेलेबल है। जो आपको पसंद हो उस कलर में आप गाड़ी को खरीद सकते हैं। फेंडर पर इंडिकेटर दिए गए हैं, साइड मिरर पर नहीं मिलेंगे, और बॉडी पैंट दिया गया है। साइड मिरर और डोर हैंडल आपको बॉडी पैंटेड ही दिए गए हैं इसमें। और ये आपको रियर प्रोफाइल है गाड़ी की। रियर प्रोफाइल से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। इसमें आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, साथ में CNG का स्टिकर भी दिया गया है इसमें। जैसा कि CNG गाड़ी है तो आपको कंपनी से ही स्टिकर मिलेगा CNG का। और बात कर लेते हैं अब माइलेज की, तो जैसा कि CNG गाड़ी है तो आपको 31.76 किलोमीटर पर केजी की माइलेज मिलती है आपको इसमें। और इसमें आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प रियर में, और साथ में ही मारुति सुजुकी की बैजिंग मिलेगी क्रोम फिनिश के साथ। और इसमें इसका मोनोग्राम भी क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। सिलेरियो की बैजिंग भी क्रोम फिनिश के साथ। VXi मॉडल है तो आपको VXi का लोगो भी दिया गया है इसमें। और पार्किंग सेंसर नहीं दिए गए हैं जैसा कि सेफ्टी फीचर्स में, तो पार्किंग सेंसर नहीं मिलेंगे। और ये दूसरी साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, तो दूसरी साइड से भी काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। बात कर लेते हैं अब सस्पेंशनों की, तो फ्रंट सस्पेंशन आपको मैकफर्सन स्टड विथ कॉइल स्प्रिंग टाइप दिए गए हैं। और रियर सस्पेंशन की बात करें तो आपको टॉरिजन बीम एक्सल विथ कॉइल स्प्रिंग टाइप दिए गए हैं रियर सस्पेंशन। अब बात कर लेते हैं अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है इसमें, 35 लीटर की। और बात कर लेते हैं अब प्राइस की, तो एक्स शोरूम प्राइस है इसका VXi CNG का 5,32,000 एक्स शोरूम प्राइस है इसका न्यू दिल्ली। और फ्यूल यहाँ से भरवाएंगे आप, 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है इसमें, 35 लीटर की। और बूट डोर खोलेंगे, बूट स्पेस देखिए आपको इसमें रियर पार्सल ट्रे दी गई है इसमें, देख रहे हैं आप। VXi गाड़ी है, LXi गाड़ी में आपको रियर पार्सल ट्रे नहीं मिलती, तो बूट स्पेस देखेंगे तो नहीं मिल पाएगा आपको। देखिए जैसा कि आप देख ही रहे हैं CNG सिलेंडर फिट किया गया है इसमें, तो CNG सिलेंडर फिट होने की वजह से इसमें बूट स्पेस आपको नहीं मिल पाएगा, देख ही रहे हैं अब। और जा साथ में स्पेयर व्हील भी इसमें ही दिया गया है जो कि स्टैंड कर रखा है, जिससे कि बूट स्पेस जो है आपको नहीं मिल पाता है। देख ही रहे हैं आप, बूट स्पेस ना के बराबर है इसमें। और
चलते हैं अब रियर डोर के इंटीरियर में और देख लेते हैं। इसमें आपको इनसाइड हैंडल सिल्वर फिनिश दी गई है हैंडलों पे, और पावर विंडो, बोतल रखने का स्पेस मिल जाएगा इसमें आपको, और स्पीकर नहीं है इसके अंदर, स्पीकरों की जगह दी गई है, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं स्पीकर। और ये टूल किट है आपकी, अपोस्ट्री इसमें सीटों की जो बीच कलर की दी गई है, जो कि रोटरी मोशन काफ़ी मैच करती हुई दिखेगी आपको, अपोस्ट्री सीटों की। और आपको सीटों की बात कर लेते हैं, तो रियर पैसेंजर सीट है, इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं दिए गए हैं। रियर सीटों के जो हेडों की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, और काफ़ी अच्छा इंटीरियर है इसका, बीच कलर का दिया गया है। और इसमें आपको साइड डोर ट्रिम का लुक, जिसमें कि आपको यहाँ भी पावर विंडो मिलेगा, सिल्वर फिनिश मिलेगी इनसाइड हैंडलों पे देखने को आपको इसमें, और साथ में ही आपको इसमें बोतल रखने का भी स्पेस मिल जाएगा पावर विंडो के साथ ही, बोतल रखने का तो स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। स्पीकर नहीं है, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं, जगह दी गई है आप लगवा सकते हैं। और इस सीएनजी सिलेंडर, सीएनजी गाड़ी तो सिलेंडर आपको कंपनी से ही मिलेगा। और सीएनजी के साथ अब बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे भी लेगरूम बहुत बढ़िया दिया गया है इसमें, लेगरूम की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको इसमें, स्विफ्ट से अच्छा लेगरूम मिल जाता है आपको सिलेरियो में। और इसमें आपको स्पेस भी दिया गया है बोतल रखने के लिए रियर पैसेंजर के लिए, देख रहे हैं आप यहाँ पे बोतल रख सकते हैं 1 लीटर की आराम से आएगी, और रोटरी मोशन से मैच करती हुई दिखेगी आपको सीटों की अपोस्ट्री, तो काफ़ी अच्छी लुक है इंटीरियर की। और बात कर लेते हैं अब ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड सीटों की, तो ये भी आपको सीटों के हेडों की बात करें तो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं दिए गए हैं सीटों के हेड, दोनों ही सीटों के हेड आपको, यानी चारों सीटों के जो हेड दिए गए हैं आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे रियर के और फ्रंट के दोनों चारों सीटों के। और लेफ्ट राइट में आपको ग्रिप असिस्टेंट भी दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं फ्रंट डैशबोर्ड के लुक की, तो ये फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है जैसा कि आप देख रहे हैं, डुअल टोन में दिया गया है फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, काफ़ी अच्छा लुक है इसमें, एक ही कमी लग रही है जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो आप आफ्टर मार्केट भी इसमें आप लगवा सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम तो। और इंटीरियर काफ़ी अच्छा है दिया गया। और चलते हैं अब फ्रंट डोर के इंटीरियर में, और फ्रंट डोर के इंटीरियर में देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। और इसमें आपको इनसाइड हैंडल जो है सिल्वर फिनिश दी गई है इनसाइड हैंडलों पे, इनसाइड हैंडलों पे सिल्वर फिनिश मिलेगी, और यानी चारों डोर आपको पावर विंडो दिए गए हैं ऑटो के साथ, जिसमें कि लॉक अनलॉक कर सकते हैं, शीशों को भी आप लॉक कर सकते हैं। मैप पॉकेट का स्पेस दिया गया है इसमें, बोतल रखने का स्पेस नहीं मिलेगा, स्पीकर नहीं है इसमें, जगह दी गई है स्पीकरों की, तो यानी बोतल रखने का स्पेस आपको फ्रंट के डोर ट्रिमों पे नहीं मिलता। और बात कर लेते हैं अब ड्राइवर सीट की, तो ये ड्राइवर सीट है जिसमें कि आपको फोल्डेबल दिया गया है, हाइट एडजस्टेबल नहीं दिए गए हैं सीट जो है आपको, हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी, ओनली फोल्डेबल। अब बात कर लेते हैं राइट साइड में एसी वेंट्स होगी, तो सिल्वर फिनिश मिलेगी इसमें आपको, और राउंड शेप में दिए गए हैं, कुछ स्पेस मिल जाएगा कॉइन वगैरह रखने के लिए, कॉइन रख सकते हैं आप इसमें आसानी से। और ये आपको हेडलाइट ट्रेवलिंग के स्विचेस दिए गए हैं, और ये सीएनजी और पेट्रोल यानी फ्यूल और पेट्रोल दोनों ही के स्विचेस हैं, यहाँ से आप स्विच दबा के रखेंगे कुछ सेकंड, 2-3 सेकंड में ही आपको ये फ्यूल फ्यूल पे और सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाएंगी, जिस भी आपको ऑप्शन जिसमें भी आपको चलानी है गाड़ी। और अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो इसका मनोग्राम क्रोम फिनिश का था, SRS एयरबैग भी दिया गया है इसमें, और 3 स्पोक व्हील मिलेगा आपको, और टिल्ट स्टीयरिंग जो है आपको इसमें नहीं दिया गया है, और इसमें आपको नॉर्मल की दी गई है जो कि देख ही रहे हैं आप, नॉर्मल की मिलती है आपको इसमें। राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेफ्ट में आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और बात कर लेते हैं अब MID की, तो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में ये आपको फ्यूल भी बताएगी और आपको CNG भी शो हो जाएगा इसके अंदर ही, और क्लॉक भी शो कर देगी जो छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले दी गई है इसमें, और 180 की स्पीड कुछ वार्निंग लाइटों के साथ, और इसमें आपको RPM मीटर भी दिया गया है। और बात कर लेते हैं अब AC वेंट्सों की, तो सेंटर में AC वेंट्स दिए गए हैं, और साथ में 1000 के स्विचेस मिलेंगे, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम। और आपको मैनुअल AC दिया गया है सिल्वर फिनिश के साथ, और इसमें आपको चार्जिंग सॉकेट ही दिया गया है इसमें, USB ऑक्स के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। और इसमें अब देख रहे हैं कुछ स्पेस भी मिल जाएगा, और बात कर लेते हैं अब
गियर लीवर की, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स के साथ गियर लीवर। ये आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं कंसोल पे ही, 2 कप होल्डर मिलेंगे। और ये आपका हैंड ब्रेक लीवर जो कि आपको क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। और बात कर लेते हैं अब साइड डोर ट्रिमों की, तो इसमें भी आपको इनसाइड हैंडल पे सिल्वर फिनिश मिलेगी। पावर विंडो, मैप पॉकेट का स्पेस, स्पीकरों की जगह दी गई है इसमें। तो कोड ड्राइवर साइड का लुक भी देख लिया आपने। अब यहाँ पे भी आपको एसी वेंट्स दिया गया है राउंड शेप में ही। और ये आपको ग्लो बॉक्स जो अच्छा खासा स्पेस ही मिल जाता है। और ये आपको साइड मिररों को आप नोब द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं, नोब दिया गया है तो ये आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे साइड मिररों को, समझिए। और फ्रंट में आपको सनवाइज़र और साथ में रीडिंग लैम्प, IRVM, ये डे नाइट दिया गया है इसमें। और इसमें आपको को ड्राइवर साइड सनवाइज़र भी दिया गया है इसमें, पेडेंट्री मिरर के साथ ग्रिप असिस्टेंट। तो इंटीरियर आपने देख ही लिया, हुड खोल लेंगे और चलेंगे अब इंजन रूम में। देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स आपको इंजन रूम में दिए गए हैं। तो ये आपको इंजन जो है सिलेरियो CNG गाड़ी का है, देख रहे हैं आप CNG सिलेरियो। इसमें आपको इंजन की बात करें तो आपको इसमें बैटरी और फ्यूज़ बॉक्स से, और इसमें आपको मीटर भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए CNG का मीटर है, ये जितनी भी फिलिंग होगी CNG आपको इसमें शो हो जाएगी। तो इंजन रूम में आपको CNG का मीटर भी एक दिया गया है जिससे आप चेक कर सकते हैं कितनी CNG है गाड़ी में। अंदर आपको पॉइंटों में पता लगती है, इसमें आपको मीटर में पता लग जाएगी। और ये आपको सुजुकी का ब्रांड मिलेगा आपको देखने को, तो सुजुकी की गाड़ी है तो इसमें आपको ब्रांड दिया गया है इंजन रूम के ऊपर ही। और बात कर लेते हैं इंजन CC की, तो 998 CC का इंजन दिया गया है इसमें। और बात कर लेते हैं पावर की, तो 68 BHP की पावर मिलेगी आपको 6000 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो 90 Nm की टॉर्क मिलेगी 3500 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू सिलेरियो VXI CNG गाड़ी का। तो ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।